विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को मोहद्दीपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर शनिवार को शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखकर अमर शहीदों की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना किया। विद्युत विभाग कर्मचारी ने सराहनीय कदम उठाते हुए महाराजगंज के अमर शहीद पंकज कुमार त्रिपाठी और देवरिया जिले के अमर शहीद विजय मौर्य के घरों के साल भर के बिजली बिल का भुगतान स्वयं उठाने का जिम्मा लिया। इस अवसर पर विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अभियंता इंजीनियर एम के अग्रवाल ने कहा, आप 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम लोग कैंडल के प्रति जलाएंगे, उनकी आत्मा को शांति मिले। पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो ये दुर्घटना पुलवामा पे हुई है, हमारे सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे और उस बस पे हमला हुआ है आतंकवादी, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, इससे हमारा विद्युत विभाग का परिवार अत्यंत खिन्न है, अत्यंत दुखी है। आज जो जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एवं इस घटना की घोर भत्सना करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे। इसमें आतंकवादियों के विरुद्ध जो भी हमारे पीएम साहब ने कहा है उस पर कार्रवाई करी जाएगी, और दूसरे जो हमारे जवान शहीद हुए हैं इनकी श्रद्धांजलि हो, इनकी आत्मा को शांति मिले, ये हमारे पूरे विद्युत विभाग की तरफ से ये हमारे हम लोगों ने आज ये प्रण लिया है और ये कामना करी है। इसमें हमारे जोन के जो संज्ञान में आया है उसमें 2 लोग हैं, 2 जवान शहीद हुए हैं, एक महाराजगंज के हैं और एक देवरिया के हैं। इन दोनों जवानों का जो भी बिल है, वो एक बिल महाराजगंज के 19,000 रुपये उनका बकाया था, उसको ओटीएस में रजिस्ट्रेशन करा के हमारे विद्युत विभाग के कर्मठ कार्यकर्ताओं और सभी लोगों द्वारा उस बिल का स्वयं विद्युत विभाग की तरफ से भुगतान कर दिया गया है। दूसरे जो देवरिया के हैं उनका निकलवाया जा रहा है और उसका भी भुगतान विद्युत विभाग अपनी तरफ से कर देगा। ये दोनों चीज़ें हैं, अगले एक वर्ष तक कर देंगे, एक वर्ष तक सर, आगे जो उनका भुगतान आएगा उसके लिए भी हम लोग आगामी 1 साल तक प्रयास करेंगे कि उनका भुगतान भी हम लोग कर सकें।